स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आपकी मसल्स की हेल्थ के लिए और आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक बूंद साबित हो सकती हैं। लेकिन अगर कहीं ये एक्सरसाइजेस आपकी स्किन ने कर ली तो ये जो फाइन लाइंस आपकी बॉडी पर अपीयर होती हैं, जो कभी रेडिश, कभी पिंकिश, कभी पर्पलिश, कभी ब्राउनिश रंग की दिखती हैं एंड अल्टीमेटली सफ़ेद रंग की हो जाती हैं, इनसे निजात पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज के वीडियो में मैं आपसे स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर बात करने के लिए आई हूँ, लेकिन जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आपके शरीर पर वो जो छोटे छोटे काले एंड भूरे रंग के दाग हो जाते हैं जिनसे आप कई अरसे से छुटकारा पाना चाहते हैं, बिलीव मी ये उनको भी क्योर कर सकता है, प्रोवाइडेड आप आज के वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझें और फिर थॉटफुल एप्लीकेशन जैसा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो करें। आई प्रोमिस यू आपके शरीर पर जो स्ट्रेच मार्क्स हैं, जो काले भूरे दाग हैं, वो आसानी से चले जाएंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स चेक आउट व्हाट नीड्स टू बी डन। प्रीति प्रेरणा के परिवार के हर एक सदस्य को मेरा सादर प्रणाम। आशा करती हूँ मेरा परिवार खुश है, स्वस्थ है, अपना ख्याल रख रहा है और बहुत पॉजिटिव है। आज से ठीक एक साल पहले 26 अगस्त 2020 इट वाज माय बर्थडे और प्रीति प्रेरणा के चैनल ने 50,000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव किया था। कल है 26 अगस्त 2021, येट अनदर बर्थडे ऑफ माइन एंड माय ब्यूटीफुल फैमिली इज गिफ्टिंग मी 1,000,000 सब्सक्राइबर्स माइलस्टोन। मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैं क्या फील कर रही हूँ। इट इज़ ऑल माई ब्यूटीफुल फैमिली मेम्बर्स ओवर हियर जो प्रीति प्रेरणा से जुड़े और फिर कभी नहीं गए। आज भी मेरे साथ वो सभी लोग हैं जो मेरे शुरुआती दिनों में वो कुछ 1,000 सब्सक्राइबर्स में मेरे साथ थे। आई रियली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ यू दैट आज हम ये चीज़ सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, आज हम यहाँ पर हैं। इट इज़ सो एम्पावरिंग टू हैव 10,00,000 पीपल अक्रॉस द ग्लोब हु आर कनेक्टिंग टुगेदर थ्राइस अ वीक एंड यू नो हम सब आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक्सचेंजेस कर रहे हैं। इट इज़ नथिंग बट वंडर, एटलीस्ट फॉर मी इट इज़ you know a wonderful wonderful thing. Thank you from the bottom of my heart. I really cannot put it in words. Thank you so very much. Aaj ki video mein main aap logo ke sath ek bahut hi important topic par baat karne ke liye aayi hu and that is your stretch marks. Dekhiye abhi tak maine apne channel par jitni bhi skin issues ke bare mein baat ki hai wo sari pareshaniyan aapki skin ki top most layer par thi, isiliye topical application karte hi logo ko gazab ke results mil rahe hain. Now aaj jo hum baat kar rahe hain that is stretch marks, वो आपकी स्किन की ऊपरी सतह पर नहीं है, ये परेशानी आपकी स्किन के नीचे सेकेंड लेयर ऑफ द स्किन पर है। अब सेकेंड लेयर ऑफ द स्किन पर परेशानी हुई कैसे? ना तो हम उसे टच कर सकते हैं, ना ही वो एक्सेसिबल है। देखिए हमारी स्किन को अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो तीन लेयर होती हैं। जो सबसे आखिरी जो बाहर की लेयर होती है इस पर हम टॉपिकल एप्लीकेशन करते हैं, इसके थ्रू हम ब्रीथ करते हैं, इसमें छिद्र होते हैं। जो सबसे अंदर की सतह होती है वो हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है और इंसुलेट करके रखती है। जो बीच की सतह होती है वो इन दोनों को कनेक्ट करती है और इसका फॉर्म इनको देती है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर मेंटेन करती है। फॉर एग्जांपल देखिए ये मेरी मेरा जो हाथ है, ये जो नकल एरिया है, अगर मैं इसको प्रेस करूँ लाइक सो, देखिए ये वापस अपनी नॉर्मल स्टेट पर नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ की जो सेकेंड लेयर ऑफ द स्किन है वो काफ़ी पतली महीन है, इसीलिए वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर सकती। अगर मैं यही चीज़ अपने नीचे वाले हाथ पे करूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इट विल कम बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन अगेन। यू अंडरस्टैंड कि सेकेंड लेयर ऑफ द स्किन जिसमें बहुत सारा कोलेजन होता है वो आपकी स्किन को इलास्टिसिटी देता है। अब हुआ क्या, जैसे ही आपकी स्किन स्ट्रेच हुई तो इस सेकेंड लेयर का काम होता है कि स्ट्रेच होने पे स्किन वापस अपनी नॉर्मल स्टेट पर आ जानी चाहिए। लेकिन अगर आप इलास्टिक को बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो क्या होगा, इलास्टिक टूट जाएगा। यही हुआ, किसी तरह अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ किस तरह आपका इलास्टिक स्ट्रेच हुआ और टूट गया। टूटने की वजह से स्किन के नीचे वाली लेयर पर बम्स आ गए, इलास्टिक टूट गया ना तो बम्स आ गए, तो ये आपका स्ट्रेच मार्क हो गया। अब सेकेंड लेयर को कैसे फिक्स किया जाए, वी आर गोइंग टू डू इट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स होते कैसे हैं, ताकि अगर हम अवॉइड कर सकें इफ एट ऑल तो हम कर पाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है अ सडन वेट लॉस और वेट गेन। जी हाँ, दोनों ही सिनेरियोज में हमारी जो स्किन होती है वो या तो इन्फ्लेट करती है या डिफ्लेट करती है। दोनों सिनेरियो में हमारा जो स्किन का इलास्टिक है वो स्ट्रेच करता है और कई बार स्ट्रेचिंग प्रोसेस में ये इलास्टिक टूट जाता है, जिसकी वजह से सेकेंड लेयर पर बम्प आ जाते हैं और हमें स्ट्रेच मार्क्स की परेशानी हो जाती है। इसका क्लियर एग्जाम्पल है प्रेगनेंसी। जी हाँ, व्हेन यू कैरी द बेबी इनसाइड योर बॉडी तो आपका टमी एक्सपैंड करता है, द स्किन एक्सपैंड्स
और जब when the baby comes out, the tummy deflates और आपका जो जितने भी स्किन है वहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं. ऑल्सो अगर आपको obesity है तो obesity में भी you put on a lot of weight, skin stretches and ultimately अगर आप lose करते हैं then also आपको stretch marks होते हैं. अगर आप lose नहीं भी करते तो मोटे लोगों में आपने देखा होगा shoulders के पास या tummy के नीचे बहुत ज़्यादा stretch marks हो जाते हैं because stretching process में ही उनका elastic टूट गया वापस आने के दौरान नहीं stretch करने पे. Second reason could be weight training. जितने भी bodybuilders होते हैं जब वो bodybuilding करते हैं weight training करते हैं तो उनका जो muscles होते हैं वो grow करते हैं एंड इस मसल ग्रोथ के दौरान कई बार आपकी जो स्किन होती है उसका इलास्टिक ब्रेक डाउन हो जाता है एक सडन रप्चर हो जाता है एंड वहां पर आपको स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं. थर्ड रीजन कुड बी प्यूबर्टी. देखिए जैसे ही बच्चे एडोलेसेंस में आते हैं ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है फॉर द गर्ल्स मैमेलरी ग्लैंड्स बनते हैं ब्रेस्ट बनती है तो कई बार जब ये ग्रोथ हार्मोन बहुत स्पीड से होता है ये ट्रांजिशन काफी फास्ट होता है तो क्योंकि स्किन स्ट्रेच होती है तो ब्रेस्ट के नीचे आपको स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं बटॉक्स पर हो जाते हैं थाइस पर हो जाते हैं आर्म्स में आपको आ जाता है बहुत ज्यादा. सो ऑल ऑफ दीज सिनेरियोस इज बिकॉज आपकी स्किन सडनली चेंज होने लगी है. सो दैट्स वन ऑफ द रीजन. एंड द फोर्थ रीजन कुड बी स्टीरॉइड्स. अगर आपने किसी भी रीजन से किसी भी बीमारी के लिए स्टीरॉइड्स लिए हैं स्टीरॉइड्स एक्चुअली आपके इम्यून सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है. तो जब आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा उसको प्रोटेक्शन यू नो जो काम है इम्यून सिस्टम का प्रोटेक्ट करना वो नहीं कर रहा तो बहुत छोटे छोटे सिनेरियोज में भी आपको स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं. इट इज़ ऑल्सो हेरिडिट्री. अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को आपके ग्रैंड पेरेंट्स को स्ट्रेच मार्क्स की परेशानी है तो बहुत ज़्यादा लाइकली है कि आपको भी ये परेशानी हो सकती है. नाउ दीज वर द रीजंस कि आपको स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं. क्या ये क्योरेबल है? जी बिल्कुल. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि आप कैसे इसको क्योर कर सकते हैं अपने घर पर. देखिए अगर आपको बहुत सिवियर यू नो परेशानी है तो बहुत सारे मेडिकल प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं. आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं एंड आप वो प्रोसीजर्स अपने लिए कर सकते हैं. हाउएवर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जब गले में खराश होती है तो अदरक ही खाते हैं ना, तो घर की रेमेडी ट्राई करते हैं. घर पर ट्राई करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है, जिस भी एरिया में आपको स्ट्रेच मार्क हो रखा है आपको उस एरिया को स्टीम देना है. अब आप स्टीम क्यों दे रहे हैं? ताकि आपके जितने भी पोर्स ब्लॉक हो रखे हैं वो खुल जाएं. आप समझ रहे हैं? और स्टीम आपको रैंडमली नहीं लेनी, आपको तब तक स्टीम लेनी है जब तक कि आपकी उस स्किन वाले एरिया से खुद पसीना ना आने लगे. पसीना आने का मतलब होता है कि आपके जो छिद्र हैं वो अच्छे से खुल चुके हैं और सारा का सारा यू नो द न्यू प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग आउट वो शुरू हो गया है. ये एक इंडिकेशन है कि आपकी स्किन अच्छे से क्लीन हो गई है. तो आप अच्छे से स्टीम लीजिए. देखिए घर पर स्टीम लेना इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल थिंग, तो आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड रिकमेंड कि आप कोई अच्छा सा स्टीमर ले लीजिए जिसमें यू नो नॉब्स होते हैं कि आप उसको यू नो डायरेक्ट कर सकते हैं किस डायरेक्शन में आपको चाहिए. दैट विल बी सेफ. हाउएवर जो नहीं कर सकते हैं वो हॉट टॉवल लेके अपने उस एरिया को बहुत अच्छे से स्टीम करिए फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स. जी हाँ, घड़ी देख के 5 मिनट स्टीम करिए ताकि वो पोर्स जो है वो अच्छे से ओपन हो जाए. स्टेप नंबर 2, वाइप ऑफ विद क्लीन टॉवल. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने अभी भी स्टीम लिया है, आपके जो छिद्र हैं वो अच्छे से खुल चुके हैं, क्लीन हो रहे हैं. अगर आप गंदा टॉवल इसके ऊपर यूज करेंगे तो फिर यू नो दिस एंटायर पर्पस इज गॉन. तो आप अच्छे से इसको क्लीन टॉवल से वाइप ऑफ करेंगे. स्टेप नंबर 3 के लिए आपको एक ब्लेंड ऑफ ऑयल्स अपने लिए प्रिपेयर करना है. देखिए हमने आपके छिद्रों को अच्छे से खोल दिया है, दे आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर इनटेकिंग और एक्सपेलिंग. एक्सपेल तो वो कर चुके हैं पसीना. अब जो कुछ भी हम अप्लाई करेंगे वो बहुत अच्छे से पेनिट्रेट होगा आपकी स्किन पर. नाउ यहाँ पर आपको लेना है 1/2 टीस्पून ऑफ आमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल. अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल सेपरेटली है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं टू इंक्रीज द पोटेंसी ऑफ द आमंड ऑयल. और इसमें आपको लेना है अप्रॉक्सीमेटली 1/4 टीस्पून ऑफ कैस्टर ऑयल. देखिए कैस्टर ऑयल स्किन के लिए वरदान है, वरदान है, बहुत ही गजब का ऑयल है आपके लिए. लेकिन इसकी परेशानी ये होती है कि इतना थिक होता है कि ये बॉडी में स्किन पर पेनिट्रेट नहीं कर सकता. टॉपिकल एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया, लेकिन पेनिट्रेट कराने के लिए कैरियर ऑयल चाहिए जो कि यहाँ पर विटामिन ई या आमंड ऑयल जो भी आप ले रहे हैं वो हो सकता है. क्योंकि विटामिन ई आमंड ऑयल ये बिल्कुल आपकी स्किन के यू नो ब्लेंड हो जाता है, आपकी स्किन का पार्ट है विटामिन ई, तो ये आराम से चला जाता है. अब इसमें आपने हल्का सा इन्फ्यूज़ कर रखा है कैस्टर ऑयल, इस वजह से कैस्टर ऑयल भी आसानी से अंदर चला जाएगा. नाउ जैसे ही आप यू नो ऑयल अच्छे से यहाँ मसाज कर लेंगे, स्टेप नंबर 4 विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज डर्मा रोलिंग. देखिए इसको कहते हैं डर्मा रोलर, ये ऐसे केस में आता है. दिस इज 1.0 mm का माइक्रो नीडल. दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक.
बहुत सिंपल सा हैंडल है, इजी टू ऑपरेट होता है। ये मैं अपने फेस के लिए इस्तेमाल करती हूँ, जो डेमोन्स्ट्रेशन में अभी मैं आपको दिखाऊंगी, दैट्स अनदर वन। सो दिस इज कॉल्ड द डर्मा रोलर। अब इसमें क्या होता है, छोटी छोटी सी नीडल है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं पिक्चर क्लिक करके आपको साइड में दिखा दूंगी। बहुत ही छोटी माइन्यूट नीडल होती है, नीडल सुई चुभेगी दर्द होगा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज माइक्रो नीडल्स, वेरी वेरी स्मॉल एंड वेरी, बहुत डेलिकेटली लग जाती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, इसको करने के बाद आपको हल्का सा यू नो सेंसेशन, इचिंग सेंसेशन फील होता है, बिकॉज ये पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन वहाँ बुलाती है। देखिए यहाँ क्या मैकेनिज्म यूज हो रहा है, आपने ऑयल अच्छे से लगा दिया अपने अफेक्टेड एरिया में, उसके बाद आप इस रोलर को लेंगे, हल्का सा, बिल्कुल प्रेस तो बिल्कुल नहीं करना, हल्का सा टच करना है बैक एंड फोर्थ एंड दैट्स ऑल। फिर आप उठा देंगे, वहीं डायरेक्शन चेंज मत करना, स्क्रैच मार दोगे खुद को। बस बैक फोर्थ अप, बैक फोर्थ अप, चेंज डायरेक्शन, बैक फोर्थ अप एंड सो ऑन। तो बहुत आसानी से अपना जहां पे भी आपको यू नो ये परेशानी है आप वहां करेंगे। आप क्या कर रहे हैं, आप ब्लड का सर्कुलेशन वहां बुला रहे हैं और उस कनेक्टिव टिश्यू को रिपेयर करने के लिए कह रहे हैं। जी हाँ, जब वहां पर मूवमेंट होगा, देखिए एक्सरसाइज नहीं होती उस एरिया की, इस वजह से वो बहुत टाइम लेता है फिक्स होने में। अब जब आप उसको थॉटफुली ऑल्टरनेट डेज डर्मा रोलिंग उसके ऊपर करेंगे, तो ब्लड का सर्कुलेशन एक एग्जैक्ट टाइम पर बार बार वहां पर आ रहा है, उसे फिक्स कर रहा है और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑल द ब्यूटिफुल मोमाज जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स हैं, एंड इफ यू वॉन्ट टू यू नो आपकी जो खूबसूरत सी ड्रॉइंग आपके बेबी ने आपके टमी पे की है, उसको आप फिक्स करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इस तरीके से उसको फिक्स कर सकते हैं। जिनके भी जो स्ट्रेच मार्क्स हैं उनमें कलर है, पिंकिश, पर्पलिश, रेडिश, बिलीव मी इन पर जल्दी असर होगा। आपके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो वाइट तब होते हैं जब वो मैच्योर हो जाते हैं, तब वो बम्प की तरह लगते हैं, लेकिन जब इनिशियली होते हैं तो ये यू नो एक उठे हुए होते हैं, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं वाइट कलर के, तो ये एक डिप्रेशन बन जाता है स्किन पर, यू नो गड्ढा बन जाता है। तो जब तक ये उठे हुए हैं और इनमें कलर है, ये बहुत जल्दी फिक्स हो जाएंगे, इसलिए आराम से इसको फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी करके ठीक कर दीजिए। नाउ अगर आपके किसी भी एरिया में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो आप ऑल्टरनेट डेज ये रेमेडी करेंगे, एंड द रेस्ट ऑफ द डेज जब आप ये नहीं करेंगे, तब आप कोकोनट ऑयल प्लस कैफीन, यानी कि आप कॉफ़ी ले सकते हैं, बहुत थोड़ा सा, हाथ में थोड़ी सी कॉफ़ी और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, एंड आप वहाँ पर मसाज करेंगे। कैफीन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपके यू नो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो ये दो चीज़ें जब आप अपनी स्किन पर करेंगे, रिलीजियसली करेंगे, थॉटफुली करेंगे, अच्छे से करेंगे, विदाउट फेल करेंगे, तो आपको रिजल्ट्स मिलने निश्चित हैं। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, ये आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स देंगे फॉर श्योर। क्या ये चारों स्टेप्स एक साथ करने हैं? जी बिल्कुल एक साथ करने हैं। जब आप स्टीम ले लेंगे तो उसके बाद इमीडिएट वाइप ऑफ करेंगे, उसके बाद इमीडिएट ऑयलिंग करेंगे, उसके बाद हल्का सा मसाज करने के बाद डर्मा रोलिंग करेंगे। कितनी देर के लिए करनी है, देखिए आप इसको एवरी पॉसिबल डायमेंशन में बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ 360 डिग्री पूरा घुमा के एक बार कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है यू आर कंफर्टेबल, तो आप एक बार और कर सकते हैं, एक राउंड और, एंड दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बॉडी को खुद को हील करने दीजिए। डू नॉट बी आफ्टर दैट थिंग, आपने उसके लिए रेमेडी कर दिया, नाउ लीव इट अलोन, आपकी बॉडी खुद को रिपेयर करेगी। डू नॉट बी आफ्टर इट कि ये भी लगा लूँ, वो भी लगा लूँ, सब कुछ लगा लूँ, कुछ नहीं लगाना। आपने अच्छे से ऑयल लगाया डर्मा रोलिंग की, अगर चाहिए आपको इचिंग हो रही है तो आप इसके ऊपर दोबारा से ऑयलिंग लगा के इसको यू नो यू जस्ट लेट इट बी, कुछ नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। कितनी जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, देखिए मैंने आपसे कहा कि कनेक्टिव टिश्यू को रिपेयर होने में वक्त लगता है, इसीलिए आप इस रेमेडी को बस आराम से इत्मीनान से करते जाइए। बी पेशेंट एंड यू आर गोइंग टू हैव रिजल्ट्स फॉर श्योर। आप लिखित में ले लीजिए, स्ट्रेच मार्क्स डेफिनेटली जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, एंड यू आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी, प्रोवाइडेड यू बी रिलीजियस। एक महीने में, दो महीने में डिसहार्टन नहीं होना कि अरे रिजल्ट तो आ ही नहीं रहे, मैं नहीं कर रहा या मैं नहीं कर रही हूँ। डोंट डू दैट, कीप डूइंग इट एंड यू आर गोइंग टू हैव परफेक्ट स्किन ओवर देयर, ये मैं आपको डेफिनेटली बता सकती हूँ। और वापस आके आप लोग अपना दिल खोल के जो लिखते हैं ना कि भाई वाह क्या रिजल्ट्स मिले हैं, वो आप इस रेमेडी के लिए डेफिनेटली लिखेंगे। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट, जब आप इसको ट्राई करें तो इसको यू नो यू जस्ट नोट इट डाउन कितने वक्त में आपको रिजल्ट्स मिले हैं, एंड वापस आके हम सबके साथ शेयर कीजिए कि हाउ इज इट फॉर यू, द एक्सपीरियंस, द रिजल्ट, एवरीथिंग। आशा करती हूँ मेरे परिवार को मेरा ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज लेकर अपने परिवार के लिए हफ्ते में 3 दिन आती हूँ। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में विद समथिंग मैजिकल फॉर योर स्किन, हेयर एंड हेल्थ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और प्रीति प्रेरणा के चैनल से जुड़े रहिए। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो वेरी मच।